हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज चैप्टर नंबर 10, दैट इज फ्रैक्शंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. एज यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर 9th चैप्टर, दैट इज मोर ऑन डिविजंस इन आवर प्रीवियस लेक्चर. सो वी विल बिगिन अ न्यू चैप्टर टुडे, इट इज फ्रैक्शन. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज नंबर 10A, आई शैल गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रैक्शंस. ओके, फ्रैक्शंस क्या है वो मैं आपको पहले बताऊंगी, ठीक है. सी ऑन द पेज नंबर 96 ऑफ योर टेक्स्ट बुक यू आर गिवन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सम एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू इट. आपकी टेक्स्ट बुक में 96 नंबर के पेज में आपको फ्रैक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और उसकी थोड़ी बहुत थियोरिकल एक्सप्लेनेशन आपको दी है, ठीक है. So we shall see it first and then we will move to the exercise. So first, what is fractions? When a thing is divided into equal parts, each part is called a fraction of the whole. जब कोई एक चीज होती है उसको हम equal parts में divide करते हैं. Equal मतलब कोई एक part बड़ा कोई एक छोटा, ऐसे नहीं होता है. सब part एक जितने size में होते हैं. For an example, अगर आपके पास एक chocolate है, आप अपने 3 फ्रेंड्स को या 4 फ्रेंड्स को वो चॉकलेट बांटना चाहते हो, देना चाहते हो, तो व्हाट यू विल डू कि एक ही चॉकलेट के 4 या 3 इक्वल पार्ट आप करोगे. इक्वल मतलब सब एक जैसे होने चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए. तो जो पार्ट आपने दिए, आपने जो डिवाइड किया, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन ऑफ द होल. तो 3 या 4 जो भी पार्ट आपने बनाए हैं, तो एक एक पार्ट है वो फ्रैक्शन होल, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं. होल पूरी थिंग का, ओके, पूरी चॉकलेट का 3rd फ्रैक्शन, 4th फ्रैक्शन ऐसे. आपके टेक्स्ट बुक में एक केक दिया है. अ केक इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. एक केक है पिंक कलर का, उसको 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया है. तो वो जो 6 के 6 पार्ट है 1 1 1 करके, तो वो पूरे केक का फ्रैक्शन है. जो पार्ट है वो केक का फ्रैक्शन है, ठीक है. सो व्हेन वी डिवाइड समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स, कोई भी चीज है जब उसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन ऑफ द होल थिंग. ओके, तो ये हुआ आपका फ्रैक्शन का डेफिनेशन. एंड नाउ व्हेन यू सी हाउ द फ्रैक्शंस आर रिटन, कैसे हम लिखेंगे, तो हाफ. व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आप और आपके 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है. तो आपके पास एक बड़ी सी चॉकलेट है, उसको आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. तो ये 2 इक्वल पार्ट्स जो है उसको हम, ईच पार्ट को हम हाफ करते हैं, ठीक है. आधा आधा बोलते हैं ना, तो आधा ले लिया, आधा मुझे दे देना, ठीक है. तो हाफ मींस व्हाट, व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द हाफ. ओके, ये है फर्स्ट हाफ एंड दिस इज द सेकंड हाफ. ओके, जब आप कोई मूवी या तो फिल्म आप देखने जाते हो थिएटर में, तो एक पार्ट होता है मूवी का बिफोर दैट ब्रेक, जो एडवर्टाइजमेंट ब्रेक होता है या रिफ्रेशमेंट ब्रेक होता है, उससे पहले का इंटरवल होता है ना. तो इंटरवल से पहले का एक पार्ट एंड इंटरवल के बाद का एक पार्ट. तो 2 हाफ्स में आपकी जो मूवी है वो डिवाइडेड होती है. तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द हाफ. ओके, तो हाफ को आप कैसे लिखते हो, ऐसे 1/2, 1/2. तो ये 1/2 है, वो हाफ का नंबर है. अब नंबर नेम हम लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 1/2. ओके, इसका नंबर नेम क्या है, 1/2. एंड व्हेन वी
ये दोनों हम जब ऐड करते हैं वन हाफ एंड वन हाफ, तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू ऑल, पूरी एक चीज बन जाती है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये चॉकलेट का एक एग्जाम्पल देख लो, दोनों हाफ जब मैं मिक्स कर लूंगी तो पूरी ऑल चॉकलेट वापस मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, मतलब मैं जब प्लस करती हूँ हाफ को तो मुझे ऑल मिलता है। ओके, एंड देन द थर्ड बिस्किट यू आर गिवन व्हिच इज अ रेक्टेंगल शेप्ड बिस्किट और अ स्क्वायर शेप्ड, द बिस्किट इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। उसका एक पार्ट बहुत छोटा दिया है और एक पार्ट जो है वो बहुत बड़ा दिया है, तो वो अनइक्वल पार्ट्स है तो वो हाफ्स नहीं है और वो फ्रैक्शंस भी नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शंस की मेन कंडीशन क्या है कि जो पार्ट आपने बनाए हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए, फिर वो बिस्किट के हैं, चॉकलेट के हैं, एप्पल के हैं, केक के हैं और कोई चीज के हैं, लेकिन वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैं आपको थर्ड नंबर का स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप बिस्किट दिया है उसको इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटा है, इक्वल दो हिस्से उससे नहीं किए हैं, अलग अलग एक बड़ा एक छोटा, तो वो जो दोनों है वो अनइक्वल पार्ट्स है एंड दे आर नॉट कॉल्ड द हाफ। वो अनइक्वल है इसलिए वो हाफ नहीं गिना जाता है। ठीक है, जहां पे इक्वल पार्ट्स होते हैं वहां पे हाफ गिना जाता है। तो ये है हाफ, एंड राइट अ फ्रैक्शन इन नंबर्स, वी राइट नंबर ऑफ पार्ट्स चूजन एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। वन पार्ट आउट ऑफ टू इज चोजन बाय शेडिंग, कैसे हम फ्रैक्शन को लिखते हैं, कैसे जो पार्ट हमने चूज किया है वो ऊपर एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमने जितने बनाए हैं, ये एक बिस्किट है उसके हमने कितने पार्ट्स बनाए थे, दो पार्ट बनाए थे। ठीक है, या तो ये सर्कल है उसका मैंने एक पार्ट शेड किया है, चूजन और शेड है, तो हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे कि टोटल कितने पार्ट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स will come and ऊपर जो है वो आएगा chosen parts, chosen means जो आपने शेयर किया है वो। ठीक है, तो आपने शेयर किया है वो कितने parts है, chosen number of parts is one and आपने total कितने number of parts यहाँ पे एक biscuit के बनाए हैं, two parts you have made, that means the total number of parts will come in the terms. Okay, here the number that we have written upper sign, number on the top is called the numerator. तो यहाँ पे one है, वो numerator है, ऊपर जो भी होता है fraction का वो numerator होता है और नीचे जो number आपको मिलता है किसी भी fraction में, सिर्फ half में नहीं, कोई भी fraction जब आप लिखते हो तो टॉप का मतलब ऊपर का जो नंबर है वो न्यूमरेटर गिना जाता है एंड नीचे का जो बॉटम का नंबर है उसे आप डिनोमिनेटर बोलते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द टॉप पोर्शन ऑफ द फ्रैक्शन इज और द नंबर ऑन द टॉप इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड द नंबर इन द बॉटम इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जब भी आप लिखते हो तो ऊपर का नंबर न्यूमरेटर है एंड नीचे का जो नंबर है वो डिनोमिनेटर गिना जाता है। ठीक है, फिर आपने हाफ लिख लिया, ओके वन अपॉन टू, कोई एक चीज की आप दो इक्वल पार्ट करते हो तो वो वन अपॉन टू दैट मीन्स वन हाफ होता है, वो आपने लिखना सीख लिया। अब हम देखेंगे वन थर्ड कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वन थर्ड में हम क्या करते हैं, जो चीज हमें दी है कोई भी उसके हम थ्री इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। ये जो चॉकलेट है उसके मैंने जैसे टू इक्वल पार्ट बनाए थे, तो अब वन थर्ड लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, जो चॉकलेट है उसके थ्री इक्वल पार्ट्स करूंगी। सी ऑन द सेम पेज नंबर 96 पेज नंबर यू आर गिवन इन फ्लैग विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, एक फ्लैग दिया है रेक्टेंगल उसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है। ठीक है, तो ये थ्री इक्वल पार्ट्स हॉरिजॉन्टल भी मतलब स्लीपिंग लाइन में भी आ सकते हैं एंड स्टैंडिंग लाइन में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इक्वल होने चाहिए, अलग अलग आधे टेढ़े या तो छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। तो 96 नंबर के पेज में आपको एक फ्लैग दिया है, द फ्लैग इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, दैट मींस इट विल बी
is the fraction in numerator number form and one third is its number name. One third, when something is divided into three equal parts, so each part is called one third of the whole. Okay, जब आप three equal parts में कोई भी चीज को divide करते हो तो ईच पार्ट इज कॉल्ड वन थर्ड. यहाँ पे रेड कलर का पार्ट है तो रेड कलर का हमने पार्ट चूज किया है तो कितने रेड कलर के पार्ट दिए हुए हैं, तीन में से टोटली तीन पार्ट है इसमें से एक. ओके, फिर अगर आप व्हाइट का पार्ट चूज कर रहे हो तो तीन में से कितने व्हाइट है, वन आउट ऑफ थ्री. ओके, एंड अगर आप ब्लू का पार्ट चूज कर रहे हो, फ्रैक्शन लिखते हो तो ब्लू टोटली थ्री है, सो थ्री पार्ट्स हैं, उसमें से ब्लू कितने हैं, वन. ओके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, जो चोजन पार्ट है वो ऊपर आता है और जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है वो नीचे आते हैं. ठीक है, तो चोजन पार्ट हियर इज ब्लू, तो तीन में से ब्लू कितने हैं, एक ब्लू है तो वन, एंड टोटल कितने हैं, तीन. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल राइट द वन थर्ड. ओके, here white is one third of the whole, blue is also one third of the whole, and red is also one third of the whole. So this is the fraction one third. अब one third कितनी times हम one third mix करेंगे तब हमें full one मिलेगा. जैसे मैंने आपको दिखाया था, जब हम half two times half add करते हैं तब हमें full whole चीज मिल जाती है. तो हाउ मेनी टाइम्स वन थर्ड विल बी एडेड टू गेट द होल थिंग, तो थ्री वन थर्ड. इतनी टाइम्स हम वन थर्ड प्लस करेंगे तो हमें पूरी चीज मिलेगी, वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री. जितने भी पार्ट्स किए हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें ये ऐड करना पड़ता है. टू पार्ट करते हैं तो टू टाइम्स हम जब हाफ ऐड करते हैं तो वन मिलता है. थ्री पार्ट्स किए हैं तो वन थर्ड हम थ्री टाइम्स ऐड करेंगे तब हमें फुल चीज मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पे वन थर्ड विल बी एडेड थ्री टाइम्स टू गेट द होल थिंग. ओके, एंड हियर वन इज द न्यूमरेटर एंड थ्री इज द डिनोमिनेटर. हियर आल्सो वन इज न्यूमरेटर एंड थ्री इज डिनोमिनेटर. सेम थिंग, थ्री वन इज न्यूमरेटर एंड थ्री इज डिनोमिनेटर. Now, one fourth. Okay? अब one fourth हम कैसे लिख सकते हैं? When we divide something into four equal parts. यहाँ पे ये जो फ्लेयर है उसको हमने three equal parts में divide किया. उससे पहले चॉकलेट मैंने आपको दिखाई थी उसको हमने two equal parts में divide किया था. अब one fourth के लिए हमको ये particular चीज है उसको four equal parts में divide करते हैं. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 97 में आपको एक केक दिया है और पिज्जा दिया है जिसको इक्वल फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड वन फोर्थ. ओके, नाइन्टी सेवन नंबर का जो पेज है उसमें आपको एक पिज्जा दिया है. पिज्जा एज यू ऑलरेडी नो सर्कल होता है तो राउंड के मैं चार इक्वल पार्ट करूंगी तो ईच पार्ट इज कॉल्ड वन फोर्थ. ओके, क्यों वन फोर्थ है, क्योंकि आपने एक ही पिज्जा के चार इक्वल पार्ट बनाए हुए हैं. ओके, अब ये चार पार्ट जो आपने किए वो चार फ्रेंड्स हैं, उनको हम बांटने वाले हैं. तो राजू, सानिया, मीरा एंड नील, चार फ्रेंड्स को हम बांटेंगे. हमने चार इक्वल पार्ट चार फ्रेंड्स से डिवाइड किए हैं तो राजू विल गेट वन फोर्थ ऑफ द पिज्जा, सानिया विल गेट वन फोर्थ, मीरा विल ऑल्सो गेट वन फोर्थ. हमें सबको इक्वल ही देना है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं देना है. तो नील को भी जो हमने टोटल चार पार्ट बनाए हैं उसमें से एक पार्ट मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वन फोर्थ. आइदर यू कैन कॉल इट वन फोर्थ और अदर नेम इज क्वार्टर. जब हम चार इक्वल पार्ट बनाते हैं तो ईच पार्ट को हम वन फोर्थ बोल सकते हैं या तो दूसरा हम उसको बोल सकते हैं क्वार्टर. ओके, दैट इज क्यू यू ए आर डी.
one fourth or quarter, which has one in the numerator and four in the denominator. Raju को कितना share मिलेगा visa में से? Four equal parts में से Raju को एक part मिलेगा. Samia को कितने मिलेंगे? Four equal parts visa के हमने बनाए हैं all together, उसमें से one मिलेगा. Okay? तो this is one fourth where one is the numerator and four is the denominator. Top number is called the numerator and the number given in the bottom is called the denominator. One more thing, how many times 1/4 will be added to get the 1? आपको 1 कब मिलेगा? 1/4 कितने times add करोगे? तो 4 equal part बनाए हैं, इसलिए 4 times 1/4 add करने से हमें 1 मिल जाता है, ठीक है?
जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऑर्डिनल नंबर में लिखते हैं एंड न्यूमरेटर को हम कार्डिनल नंबर में लिखते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गिवन. नेक्स्ट, सेवन इक्वल पार्ट्स ट्रायंगल. एक आपके पास बैग है, उसके अंदर आपको सेवन इक्वल ट्रायंगल्स दिए हुए हैं. सेवन इक्वल ट्रायंगल्स दिए हैं, उसमें से कलर कितने को करके दिया है? थ्री को. सॉरी, यस, थ्री आर कलर. सो थ्री आउट ऑफ सेवन, सेवन में से थ्री को कलर करके दिया है. दैट मीन्स इट विल बी थ्री सेवन. ओके, अब एक मेन चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कोई भी चीज है उसको इक्वली हम कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन बना के भी हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन बना के भी. ओके, दैट आई एक्सप्लेन यू लाइक दिस. ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, तो इसके मैं अंदर दो पार्ट ऐसे भी करूंगी तो इक्वल टू पार्ट्स हो जाएंगे. यहाँ पे मैंने वर्टिकल किया है, ठीक है, तो ये वर्टिकल दो पार्ट बनाए हैं मैंने, दैट इज वन हाफ. एंड अगर यही चीज मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से करना चाहती हूँ तो भी दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं. So this is also called the one half, okay? But it will be horizontal one half, okay? कोई भी half है या तो कोई भी चीज़ है उसको जब आप equal parts में divide करते हो तो बहुत सारी styles से divide हो सकती है, okay? बहुत सारी styles in the sense मैं vertical line बना के भी कर सकती हूँ, horizontal line बना के भी half कर सकती हूँ. And one more thing I can do is I will make a slanting line. ओके, तो ये स्लैंटिंग लाइन बना के भी मैंने हाफ किया है, तो दिस विल बी द हाफ. ओके, ये भी हाफ ही है लेकिन इसको मैंने हाफ बनाने के लिए स्लैंटिंग लाइन का यूज किया है. तो एवरीथिंग और समथिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स इन मेनी वेज. देयर कैन बी मेनी वेज इन व्हिच अ होल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं कि जिससे हमको एक चीज है उसके इक्वल पार्ट्स बनाएंगे. ओनली नॉट द हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया तो एक यह है ऐसे ही हाफ बन सकता है. अगर हाफ बनाना है तो आप वर्टिकल लाइन भी बना सकते हो, स्लैंटिंग लाइन भी बना सकते हो, ठीक है. तो देयर कैन बी मेनी वेज टू डिवाइड समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स. सो नाउ पेज नंबर 98 एक्सप्लेनेशन. 98 में क्या दिया है? फ्रैक्शंस इन कलेक्शन. Raju had a collection of six stars. He colored every other star in the group. Half the stars were colored. He had colored three. Half of the stars, that is three stars. Okay, half of the number. So half मतलब कि आप two से divide करते हो, ठीक है? क्योंकि आपने two equal part बनाए हुए होते हैं. तो जितना भी दिया है आपको फ्रैक्शन उसमें से आपको नंबर फाइंड आउट करना है. राजू के पास सिक्स स्टार्स है अलग अलग, ठीक है. ये एक, ये दो, तीन, चार, पांच एंड छह. तो सिक्स स्टार्स राजू है एंड आउट ऑफ विच ही कलर एवरी अदर, मीन्स एक को छोड़ के उसने से कलर किया. तो राजू ने हाफ ऑफ द स्टार्स कलर किए हैं. ऑल टुगेदर उसके पास कितने स्टार्स हैं? सिक्स. ओके, हाफ ऑफ द स्टार्स आर कलर. हियर हाफ ऑफ द स्टार्स आर कलर मींस व्हाट? कि जितने भी स्टार्स उसके पास हैं, यहाँ पे सिक्स है, उसका हाफ उसने कलर किया है. हाफ मींस व्हाट? डिवाइडेड बाय टू. ओके, मतलब फ्रैक्शन दिया है, कलेक्शन में से फ्रैक्शन दिया है एंड आपको नंबर फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ सिक्स स्टार्स है उसमें से फ्रैक्शन दिया है हाफ, तो कितने नंबर ऑफ स्टार्स है उसको कलर किया है वो आपको फाइंड आउट करना है. दैट नंबर ऑफ स्टार्स दैट आर शेडेड दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, कलेक्शन में से आप नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे वो आपको यहाँ पे सीखना है. फ्रैक्शन इन कलेक्शन, आपको फ्रैक्शन दिया है हाफ, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स
दिए हैं 6, तो आपको फाइंड आउट करना है कि अगर हाफ आर कलर तो व्हाट नंबर ऑफ स्टार्स आर कलर, कितने स्टार्स है वो कलर किए हुए हैं, ठीक है। तो व्हेन यू आर गिवन हाफ मींस यू विल डिवाइड इट बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3, दैट मींस राजू ने 3 स्टार्स को कलर किया है, ओके। आपने फाइंड आउट कर लिया, आपको फ्रैक्शन दिया था कलर स्टार्स का, तो आपको वो फ्रैक्शन में से आपको कलर स्टार्स कितने हैं वो नंबर में फाइंड आउट करने, तो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट whenever you are given to find out the half of a number we divide it by 2, आपको ये याद रखना है कि जब भी हमें किसी नंबर का हाफ करना होता है तब हम 2 से डिवाइड करते हैं। Then to find a third divide by 3, जब किसी नंबर का 1/3 फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको 1/3 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सी The whole design had 15 fingers. Each had print 5 fingers was 1/3 of the design. Okay, 15 altogether fingers hai. So 15 fingers altogether. And usme se aapko 1/3 find out karna hai. 1/3 agar find out karna hai, 1/3 of 15. That means of ko aap kisse replace karoge? Of will be replaced by the multiplication. मैथमेटिक्स, ओके, इन 15, 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 सा 15, ठीक है, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन 15, सॉरी 5, और ऐसे भी हो सकता है 1/3 के बदले आप सिर्फ 3 से डिवाइड करोगे, तो आपको क्या सोचना है, 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 सा, ओके, तो 5 फिंगर्स, 1/3 ऑफ 15 फिंगर्स, ऑल टुगेदर कितने फिंगर्स है, 15, उसमें से आपको फ्रैक्शन दिया है कि 1/3, तो 1/3 में कितने फिंगर्स होगी वो आपने फाइंड आउट किया, हाउ मेनी नंबर ऑफ फिंगर्स विल बी देयर इन 1/3, ओके, तो वो आपने फाइंड आउट किया है, ऐसे फाइंड आउट किया है, यू हैव डिवाइडेड इट बाय 3। एंड सेम वे इफ यू वांट टू फाइंड आउट 1/4 ऑफ समथिंग देन यू विल डिवाइड the given information by 4, ठीक है। For an example, the 16 counters in Ludo come in 4 different colors. The 4 counters of a color are 1/4 of the 16 counters. So 1/4. See, total number of counters कितने हैं? 16 counters in all, ठीक है। अब 1/4 of the counters, 1/4 means you will divide by 4. 1/4 of 16. 4 ones are 4. Sorry, directly will not cut down. This of will be replaced by multiply sign. That means 4 ones are 4 and 4 fours are 16. Or else आप क्या कर सकते हो, directly 16 altogether counters है, उसको आप 4 से divide करो, because you are asked to find out 1/4. तो 4 के table में 16 का आता है, 4 fours are 16. That is 4 counters. ओके, 16 काउंटर्स ऑल टुगेदर है, उसमें से उसका आपको 1/4 काउंटर फाइंड आउट करना है, तो व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट 1/4 तो यू डिवाइड इट बाय 4, व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट 1/3 तो यू डिवाइड इट बाय 3, ओके। अगर आपको हाफ किसी का फाइंड करना है तो यू डिवाइड इट बाय 2, जो टोटल इंफॉर्मेशन है, टोटल नंबर्स आर गिवन है, उसको 2 से डिवाइड करते हो हाफ फाइंड करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे नंबर 10A. 10A नंबर इज टिक द फिगर्स दैट शो हाफ्स, जिसमें हाफ आपको दिया है वैसे फिगर्स को आपको टिक करना है। तो कोई भी फ्रैक्शन जो है वो हाफ कब होता है, जब उसके एग्जैक्टली सेम या तो इक्वल टू पार्ट्स किए हुए होते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा या छोटा बड़ा पार्ट किया हुआ है तो वो हाफ नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्राइंगल आपको दिया है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड,
नीचे जो सर्कल दिया है छोटा सा, उसमें हम टिक मतलब राइट की साइन लगा देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर में जो रेक्टेंगल दिया है वहां पर कुछ इस तरह से दिया है, ऐसे। तो ये रेक्टेंगल के टू इक्वल पार्ट बनाए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, नहीं बनाए हुए मतलब ये हाफ नहीं है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट टिक दिस रेक्टेंगल, व्हाई, because this rectangle is not divided into two equal halves. Then B आपको दिया है अल्फाबेट में उसका B, तो B में आपको लाइन यहाँ पे करके दिया, हाफ राइट करके हाफ करके दिया है, यस, पहला हाफ और दूसरा हाफ दोनों सेम दिए हैं आपको, तो इट विल बी गिवन टिक मार्क। एंड नंबर फोर में जो सर्कल दिया है, तो सर्कल के दो इक्वल पार्ट आप ही बता सकते, भी नहीं किए, एक पार्ट बहुत छोटा किया है और एक पार्ट बहुत बड़ा किया हुआ है, तो हम उसके ऊपर टिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे वहां पे वो हाफ गिना जाएगा और उसी के ऊपर हम टिक करेंगे, ठीक है। नाउ नंबर टू इज कलर टू शो द फ्रैक्शन, आपको टू इक्वल पार्ट दिए हैं एक रेक्टेंगल को, क्वेश्चन नंबर टू एंड एक्सरसाइज नंबर 10A, आपको यहाँ पे से एक रेक्टेंगल दिया है उसके टू इक्वल पार्ट्स दिए हैं, तो टू में से आपको वन को कलर करना है, ठीक है। टू इक्वल पार्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स टू है, उसमें से आपको वन पार्ट को कलर करना है, तो अपनी चॉइस का कोई भी कलर कोई एक पार्ट पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे वाले पार्ट में मेरी चॉइस का कोई भी कलर कर लूंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको एक ही कलर करना है, एक पार्ट को ही, दोनों पार्ट्स का कलर नहीं करना है, ठीक है। बाजू में आपको दिया है एक राउंड है, सर्कल है, उसमें दो पार्ट दिए हैं, उसमें से कोई एक पार्ट को कलर करना है, ठीक है। तो आपको खुद कर लेना, मैं आपको लास्ट नंबर वाला जो कुछ बी शेप का दिया है उसको सिखा रही हूँ। ये है टू पार्ट्स, वन एंड टू, आपको वन आउट ऑफ टू, टू टोटल पार्ट्स है उसमें से वन को आपको कलर करने के लिए कहा है, तो आप एनी वन को इधर दिस और दिस वन, ओके, एनी वन ऑफ योर चॉइस यू कैन कलर, दोनों में से किसी एक पार्ट को ही कलर करना है, दोनों को नहीं करना है, ठीक है। तो इधर लग जाएगा आपका आंसर, सो दिस इज हाउ वी विल कलर हाफ, ओके, हाफ मतलब दो में से एक को कलर करना है। फिर आपको जो नीचे दिया है उसमें आपको तीन में से एक को कलर करना है, थ्री इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, दैट मींस वन फॉर यू आर गिवन एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू कलर वन, टोटल नंबर थ्री है उसमें से आपको एक को कलर करना है, ओके, तो वन थर्ड एक रेक्टेंगल आपको दिया है उसके तीन इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। कर सकते
1/4 एरिया का फिगर ऐसा दिया है। आपको
कलर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये तीन को कलर कर दिया, तो ये हो गया थ्री फिफ्थ. नेक्स्ट इज फोर अपॉन सिक्स. आपके पास एक हेक्सागन है, हेक्सागन में छह इक्वल पार्ट दिए हुए हैं, उसमें से आपकी चॉइस से कोई भी चार पार्ट को आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे मैं ये नंबर को रहने दूंगी, अब आप खुद कर सकते हो, ठीक है. नाउ व्हाट फ्रैक्शन इज शेयर्ड, यू आर गिवन द फ्रैक्शन फर्स्ट. यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नहीं दिया है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया था. जो क्वेश्चन नंबर थ्री है 100 नंबर के पेज पर, आपको क्वेश्चन नंबर नहीं दिए है एक्सरसाइज नंबर 10 ए में. तो क्वेश्चन नंबर फोर है, वहां पर हमने फ्रैक्शन दिया था, उसमें से हमने कलर कर लिए. अब हमें क्या दिया है, रिवर्स क्वेश्चन दिया है, कलर दिया हुआ है और वो कितना फ्रैक्शन है वो आपको लिखना है, ठीक है. तो थ्री इक्वल पार्ट एक सर्कल के बने हुए हैं, उसमें से टू पार्ट्स को कलर किया है येलो एंड रेड. तो टू विल कम इन द न्यूमरेटर और इन द ऑन द टॉप एंड थ्री विल कम इन द डिनोमिनेटर. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स विल कम इन द डिनोमिनेटर एंड आउट ऑफ विच आर शेडेड विल कम इन द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव. थ्री इक्वल पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स है वो हम नीचे लिखेंगे एंड इसमें से शेड दिए है टू, तो वो हम ऊपर लिखेंगे. तो ये हो गया कलर्ड पोर्शन का या तो शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन है वो, ठीक है. फिर आपको जो स्क्वायर दिया है उसमें आप गिन लो फोर इक्वल पार्ट्स दिए हैं, तो ऑल टूगेदर फोर पार्ट्स एंड आउट ऑफ विच टू आर कलर्ड, दैट मीन्स टू अपॉन फोर विल बी द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट. फिर आपको टुगेदर फाइव स्क्वायर दिए हैं छोटे छोटे, देर आर फाइव इन ऑल एंड आउट ऑफ विच थ्री आर कलर्ड. ओके, देन यू हैव सिक्स टोटल पार्ट्स आउट ऑफ विच टू आर कलर्ड. 16 छोटे छोटे स्क्वायर है टोटली, तो 16 में से आपको कितने स्क्वायर में ब्लू कलर दिख रहा है, फोर है, तो 16 में से चार, दैट इज फोर आउट ऑफ 16 आर शेडेड. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स. फाइव नंबर में जितने मैंने पढ़ा है उसके सिवाय के जो बाकी है वो आपको ट्राई कर लेना, ठीक है. फिर इन इज वन अपॉन टू ऑफ फोर, ये तो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, हाफ ऑफ फोर. तो हम हाफ ऑफ फोर करेंगे, ऑफ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑफ है इसके बदले मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन आता है. टू के टेबल में फोर कब आता है, वन टू वन सा टू, टू टू सा फोर. ओके, तो टू विल बी द आंसर. क्यों, क्योंकि फोर कब आता है टू के टेबल में, टू टू सा फोर. हियर यू विल हैव टू अगेन थिंक ऑफ द डिविजन्स. ओके, और डिविजन के लिए अगेन यू विल नीड द टेबल्स. हाफ ऑफ ट्वेल्व, हाफ ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय अ मल्टीप्लीकेशन साइन. ओके, हाफ, अब आपको सोचना है कि टू के टेबल में ट्वेल्व कब आता है, तो टू सिक्स आर ट्वेल्व. वन थर्ड ऑफ नाइन, ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लीकेशन. नाइन कब आता है इतने के टेबल में, थ्री, थ्री आर नाइन. ओके, एज यू ऑलरेडी नो द टेबल ऑफ थ्री, थ्री वन आर थ्री, थ्री टू आर सिक्स एंड थ्री थ्री आर नाइन, दैट्स व्हाई थ्री विल बी द आंसर. ओके, वन थर्ड ऑफ 18. ओके, यहाँ पे वन थर्ड एंड वन फिफ्थ ऑफ 10, ये आपको खुद करना है. ओके, एंड वन नाइन्थ ऑफ 18, ये भी आपको खुद करना है, ठीक है. ये दोनों आपको ट्राई करना है, मैंने ये जितने तीन करवाए हैं उसके हिसाब से आपको ये दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है. देन वन थर्ड ऑफ 18, अब आपको वन थर्ड जो है वो नंबर में नहीं दिया है लेकिन वर्ड्स में दिया है. वन थर्ड ऑफ 18, हाउ विल यू राइट वन थर्ड, वन अपॉन थ्री एंड ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लीकेशन साइन. 18 कब आता है थ्री के टेबल में, थ्री, सिक्स
fours are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16. Okay, 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 sir. तो that we will write in the answer. Okay. Now 1/6 of 24 ये आपको खुद ट्राई करना है. ठीक है, 1/6 आप कैसे लिखते हो? 1/6. 1/6 will be written as 1/6 and of will be replaced by multiplication sign and then 24 will come. तो ये हम खुद सोच के आगे सभी लेना. ठीक है, अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. इन 3/4 द न्यूमरेटर इज डैश एंड डिनोमिनेटर इज डैश. 3/4 में जो न्यूमरेटर है वो कौन है, डिनोमिनेटर है वो कौन है, वो आपको बोलना है. ठीक है, 3/4 watching my video.